हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय नर्चर। मैं हूं कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? मस्त, बढ़िया। तो चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5 फार्माकोग्नोसी डी फार्म फर्स्ट ईयर का लेक्चर नंबर 3, जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे कार्मिनेटिव एंड जीआई रेगुलेटर्स। ठीक है, क्या होते हैं कार्मिनेटिव, क्या मतलब है जीआई रेगुलेटर्स का, और ये जो चीज़ें हैं घरों में अवेलेबल है ना। कहा जाता है घर में जो इंडियन मसाले हैं वो कहीं ना कहीं हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं। मसाले है ना, हल्दी है, लहसुन है, धनिया है, ठीक है, अदरक है, ये सब हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं और यही वजह है कि फिट होते हैं हम लोग काफ़ी सारे। ठीक है ना, तो अब देखते हैं कि आखिरकार किसको क्या कहते हैं और इनका मतलब क्या है और ये क्या रोल प्ले करेंगे। तो आओ आगे बढ़ते हैं। हेडिंग है हमारे पास कार्मिनेटिव एंड जीआई रेगुलेटर्स। रेगुलेटर से क्या मतलब है बच्चों? रेगुलेटर से क्या मतलब है? रेगुलेटर तो पता होगा ना क्या होता है, व्हाट इज रेगुलेटर? अरे नहीं पता, घर में इस्तेमाल करते हो ना रेगुलेटर, गैस की नोब रेगुलेट करना। यानी कि क्या हो गया, जब भी कोई कहेगा आपसे रेगुलेटर, यानी कि कोई चीज रेगुलेट की जा रही है, कम ज्यादा की जा रही है, मतलब कंट्रोल की जा रही है। क्या की जा रही है? कंट्रोल। तो यहां पर जीआई का फॉर्म क्या हो जाएगा? गैस्ट्रो मतलब पेट, और इंटेस्टाइनल मतलब हमारी आंतें, और रेगुलेटर इनको रेगुलेट करना। क्यों भैया, इनको कम ज्यादा करने से क्या मतलब है? क्या करें कम ज्यादा करके? भैया कम ज्यादा करना पड़ेगा, भूख लगनी चाहिए, ठीक है ना, समय पे पेट खाली होना चाहिए, गैस पास होनी चाहिए। अगर ये सब चीजें प्रॉपर नहीं होंगी तो पता ही क्या होता है, गैस पेट में भर जाती है, चढ़ जाती है। कुछ लोगों को सुना होगा तुम लोगों ने, गैस चढ़ गई, दिमाग में चढ़ गई, सर दर्द कर रहा है, बदन दर्द कर रहा है ना, और पेट गुम हो गया है, वॉमिटिंग हो रही है ना, बड़ा पेचीदा हिसाब हो जाता है। इसलिए हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि हमारा जो पाचन तंत्र है, अगर वो बहुत अच्छा है तो सेहत बहुत अच्छी होती है किसी भी इंसान की। ठीक है, तो कार्मिनेटिव क्या है? देखो कार्मिनेटिव साफ साफ कह रहा है, आ कार्मिनेटिव आल्सो नोन एज कार्मिनेटिवम, इसको हम लोग कार्मिनेटिवम के नाम से भी जान सकते हैं। प्लूरल है इसका कार्मिनेटिवा, ये सिंगुलर ये प्लूरल है ना, जैसे बॉय का बॉयज होता है वैसे कार्मिनेटिवम, और बहुत सारे बोले तो कार्मिनेटिवा, ठीक है ना। तो ठीक है, सिंगुलर प्लूरल बात समझ में आई। इट इज अ हर्ब, एक हर्ब है, हर्ब हर्ब्स होता ना, ट्री श्रब्स हर्ब्स, हर्ब मतलब एक हर्ब है जिनका ब्रांचेस वगैरह नहीं होती है, जस्ट जैसे कि धनिया धनिया टाइप का रहता है, ठीक है वो है। ये हर्ब होती है और प्रिपरेशन या एक खास तरह की प्रिपरेशन होती है टू प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ गैस इन द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं GIT। हमारा जब खाना खाया, खाना खाने के बाद है ना, तुम लोग देखा हो कुछ लोगों को बहुत ज्यादा गैस बनती है, कुछ लोगों को गैस ना के बराबर बनती है, यानी गैस नहीं बनती है। तो गैस नहीं बननी चाहिए कायदे में, खाना अच्छे से पचेगा यानी कि हमारा पाचन तंत्र अच्छा है तो गैस ना के बराबर बनेगी, और अगर बनती भी है तो उसको पास हो जाना चाहिए हमारे पाचन तंत्र में, उसको रुकना नहीं है, ठीक है ना। तो साफ साफ कह रहा है या तो प्रिवेंट करेगी और फैसिलिटेट, अगर बन गई है तो फैसिलिटेट करेगी, उसे कोशिश करेगी एक्सपल्सन निकल जाए ऑफ सेड गैस, जो गैस बन गई है वो बाहर निकल जाए, देयर बाय प्रिवेंट फ्लैचुलेंस, ठीक है ना। तो जो गैस बन गई वो बाहर निकल जाए, जब नहीं बनती तो इकट्ठा हो जाती है, और इकट्ठा हो जाती है जब एक साथ निकलती है तो क्या आता है? हाँ सही सुने हो, है ना बच्चे, कहें सर क्या पढ़ा रहे हो? अरे पढ़ा क्या रहे हैं, ये हिंदी का शब्द है, अंग्रेजी का शब्द। गैस बनेगी, इकट्ठी हो जाएगी तो बहुत तेजी से निकलेगी, साउंड आएगा, साउंड आएगा तो आसपास के चार लोग हंसने लगते हैं, है ना। तो ठीक है, उसका निकल जाती है, वो अच्छी चीज़ है, अगर निकलेगी नहीं तो दिक्कत है, निकाल देना चाहिए, शर्माना नहीं चाहिए, लेकिन कोशिश करो कि ऐसी स्थिति ना आए, तो जैसी थोड़ी सी भी गैस बने तुरंत निकल जाए। कब निकल जाएगी? अगर तुम्हारा पाचन तंत्र यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, सक्षम है, तो गैस बनेगी नहीं, जो थोड़ी बहुत बनेगी वो धीरे धीरे निकलती रहेगी, उसका पता नहीं चलता है, ठीक है ना, ऑटोमेटिक निकलती रहती है, लेकिन इकट्ठा होकर निकलेगी तो क्या बन जाएगा? बड़ा, ठीक है। हाँ आगे चलें, तो ये हो गया, तो फ्लैचुलेंस मतलब, ये फ्लैचुलेंस इंग्लिश है किसकी? पाद की। ओके, फ्लैचुलेंस, फ्लैचुलेंस को समझाया जाएगा थोड़ा सा, गैस और इंटेस्टाइनल गैस, गैस कह लो या हमारे आंतों की गैस, मीन्स डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल। गैस का हर किसी के लिए एक अलग मीनिंग है, ठीक है ना,
कोई इसको ऐसा जनरल तो हम कहेंगे गैस तो वही होता है ना, हर किसी के लिए गैस अलग अलग तरीके से अपने आप को डिफाइन करता है कि गैस घूम रही है गैस नहीं घूम रही है ना, कई तरीके डिफाइन करते हैं। एवरीवन हैज गैस एंड एलिमिनेट इट बाय बेल्चिंग और पासिंग इट थ्रू द रेक्टम। तो जब गैस बनेगी तो या तो बेल्चिंग डकार आएगी, डकार से भी गैस पास होती है ना, और पासिंग इट थ्रू द रेक्टम, रेक्टम मतलब हमारा एनस, जहां से पॉटी होती है उससे एक पार्ट पीछे होता है, रेक्टम कहा जाता है उसको। मेडिकली रेफर टू एज फ्लैचुलेंस और फार्टिंग, फार्टिंग हिंदी का शब्द, अंग्रेजी का एक और शब्द है, ये मेडिकल टर्म है फ्लैचुलेंस, फार्टिंग अंग्रेजी का शब्द है, फार्टिंग इज द इंग्लिश मीनिंग ऑफ दिस हिंदी वर्ड पाद। ओके, तो ये कुछ शब्द हैं जो तुमको हो सकता है बुक्स वगैरह में आ रहे हो बार बार और समझ में ना आ रहे हो, तो यहां से ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। ओके, आगे आते हैं। बेल्चिंग मतलब डकार, द एबिलिटी टू बेल्च इज ऑलमोस्ट यूनिवर्सल, डकार आना ये सबके लिए क्या है, नॉर्मल सी बात है। बेल्चिंग आल्सो नोन एज बर्पिंग, बर्पिंग भी कहा जाता है, बर्प करना, डकार लेना, इज द एक्ट ऑफ एक्सपेलिंग गैस फ्रॉम द स्टमक आउट थ्रू द माउथ, मुंह के जरिए पेट में जो गैस बन गई है उसको बाहर निकालने को हम लोग बेल्चिंग कहते हैं, डकार से बाहर निकलती है। ओके, द यूजुअल कॉज ऑफ बेल्चिंग इज, जनरल कारण क्या होता है बेल्चिंग, डकार आती क्यों, हम लोग कई बार क्या करते हैं इसमें मेन कारण क्या होता है, पेट से तुम लोगों को पता ही है कैसा होता है, ऐसा करके ऐसा पेट है, लेकिन कई बार क्या होता है पानी पीने के साथ साथ या खाना खाने के साथ साथ हम लोग बहुत सारी हवा ले जाते हैं अपने पेट में, जब हवा चल आ जाता है तो पेट अभी ऐसे गोल है ना, तो ये पेट हमारा कुछ ऐसा हो जाएगा, देखो फैल सा जाता है, डिस्टेंडेड होता है, या फिर हम कहें थोड़ा सा फूल जाएगा, फूला हुआ, इन्फ्लेटेड कह लो या डिस्टेंडेड कह लो, जब हवा जाएगी पेट में तो क्या होगी, फूल जाएगा वो, ठीक है, पेट भी फूल जाता है। कॉज्ड बाय स्वेलोड एयर, जो हवा स्वेलोड मतलब निगल ली गई है उसके द्वारा पेट का फूलना क्या कहलाता है, डिस्टेंटेड, ठीक है ना। अब उस हवा का निकलना जरूरी है वरना क्या होगी, दिक्कतें पैदा हो जाएंगी, बात समझ में आ रही है। द डिस्टेंशन ऑफ द स्टमक यानी कि पेट का फूलना कॉजेस एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, हमारे पेट में ना डिस्कम्फर्ट पैदा हो जाता है, पेट में पेट फूलेगा, अजीब सा लगेगा, पेट भारी भारी सा हो जाएगा, है ना, डिस्कम्फर्ट होने लगता है, अजीब लगने लगता है। एंड द बेल्चिंग एक्सपेल्स द एयर एंड रिलीव द डिस्कम्फर्ट, बेल्चिंग डकार आएगी और वो गैस बाहर निकल जाती है और हम लोग को आराम हो जाता है। द कॉमन रीजन ऑफ स्वेलिंग, आखिर हम हवा ले कैसे जाते हैं, पेट में क्यों चली जाती है हवा, हम हवा तो जाने चाहिए फेफड़ों में, तो होता क्या है, फॉर स्वेलिंग ए लार्ज अमाउंट ऑफ एयर, ठीक है, और गल्पिंग, होता क्या है हम लोग जब खाना खाते हैं ना, हम लोग आज गर्मी ज्यादा हो रही है, ठीक है, जब हम लोग क्या करते हैं खाना खाते हैं, तो खाना खाने खाते वक्त क्या होता है, हम लोग जब खाना खाते हैं तो हमारा दो पार्ट होते हैं, एक उसका वाला क्या कहते हैं, एयर पाइप होता है हवा जाने के लिए, और एक फूड पाइप होता है, जब खाना निकल रहे होते हैं उस समय एयर पाइप बंद हो जाता है, बड़ा कॉर लेते हैं तो उसको बड़े कॉर को गले से पास होने में टाइम लगता है थोड़ा सा, उतनी देर के लिए बंद रहता है, उसी समय हवा भी अंदर आ जाती है, इसीलिए चीज़ों को गटकना नहीं चाहिए, गल्पिंग, बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा कॉर नहीं खाना, मतलब नहीं निकलना चाहिए, महीन कर करके चबा चबा खाओगे तो पेट में गैस नहीं बनेगी, बता देना अपने बुजुर्गों को, ठीक है। ओके, ड्रिंकिंग टू रैपिडली, बहुत जल्दी जल्दी पानी पीना, ठीक है, एंजाइटी, चिंता होना, या कार्बोनेटेड बेवरेज, जब लोग कोको कोला वगैरह पी लेते हैं तो उससे भी क्या होता है, उनके अंदर क्या होता है, कार्बोनेट वगैरह होते हैं, तो उसमें भी क्या होता है, गैस बनने की संभावनाएं हो जाती हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ वो है, क्या कहते हैं, कारण है कि गैस क्यों बनती है पेट के अंदर, मतलब पेट में हवा कैसे पहुंच जाती है। आओ आगे देखें, फंक्शंस ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, आखिरकार GI ट्रैक्ट का फंक्शन क्या है, क्या काम करते हैं ये, तो कह रहा है द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जो हमारा पेट का रास्ता है, इज ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, सबको पता ही, मैंने बताया वो पैसे करके जाता है ना, पता है ना, यहां से आया फिर ये पेट, फिर ऐसे आते होती हैं और फाइनली आते हैं इस तरीके से बाहर की तरफ निकल जाती है, तो इधर माउथ से लेकर के फाइनल जहां पॉटी तक रास्ता है पूरा एक पाइप टाइप का सिस्टम है, तो ठीक है ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर है, विच एक्सटेंड फ्रॉम माउथ टू एनस, जो कि मुंह से लेके एनस तक फैला हुआ है, इस पूरे को हम लोग क्या कहते हैं, GI ट्रैक्ट कहते हैं। इट सप्लाइज, इसका काम क्या है, न्यूट्रिएंट, जो खाना खा रहे हैं वो यहीं से एब्जॉर्ब किए जाएंगे, इलेक्ट्रोलाइट जो सोडियम क्लोराइड वगैरह है, वाटर एंड वेरियस बॉडी सिस्टम इंक्लूडिंग इट्सेल्फ थ्रू द परफॉर्मिंग 5 फंक्शन, ये न्यूट्रिएंट्स देता है, इलेक्ट्रोलाइट्स देता है, पानी पहुंचाता है, खुद को भी, अपने आप को भी, इस ट्यूबलाइक सिस्टम को भी, पूरी बॉडी को भी, 3 प्रोसेस करता है उसके लिए। सबसे पहले क्या करेगा, डाइजेशन, पचाएगा, सिक्रीशन, है ना, पचाने के लिए कुछ उसे एंजाइम्स वगैरह छोड़ने पड़ते हैं, सिक्रीशन, देन एब्जॉर्ब करेगा, स्टोर करेगा फूड को,
एंड एक्सक्रीशन फाइनली चीज वेस्ट को क्या कर देगा, बॉडी से बाहर निकाल देगा। ये पांच चीजें कर करके, तो यही तो इसका काम है। यही चीजें जब डिस्टर्ब हो जाती है, जिसमें सबसे ज्यादा डिस्टर्ब होता है हमारा क्या, डाइजेशन। जब हम लोग अनाप शनाप खाते हैं, जब हम लोग क्या करते हैं अनाप शनाप खाते हैं, तो हमारा डाइजेशन सबसे ज्यादा बेकार हो जाता है, गैस वैस बनती है, ठीक है। जीआई रेगुलेटर्स आर द ड्रग्स। जीआई रेगुलेटर्स क्या है, दीज आर द ड्रग्स या हर्ब्स विच रेगुलेट द अबव फाइव फंक्शन। ये जो हम पढ़ रहे हैं जीआई रेगुलेटर, ये क्या है, इन्हीं पांच फंक्शंस को क्या करती हैं, रेगुलेट करेंगी, कम या ज्यादा करेंगी। अगर एंजाइम कम निकल रहे हैं बढ़ा देगा, एब्जॉर्प्शन कम हो रहा है तो बढ़ा देगा, ठीक है ना। इन सब चीजों को करके हमारा जीआई सिस्टम जो होता है पूरा क्या हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। कौन करते हैं, जीआई रेगुलेटर। कौन है ये जीआई रेगुलेटर, कौन है ये कार्मिनेटिव, ये नाइन ड्रग्स जो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये जो इसीलिए पाचन तंत्र का सही रखना है, तो ये जो आज तक हम पढ़ रहे हैं इनको अपने रूटीन लाइफ में थोड़ा थोड़ा अलग से भी ले सकते हो, जैसे कि अदरक का जूस ले सकते हो, है ना, काली मिर्च एक खा सकते हो, लौंग एक चबा सकते हो, है ना। ये सब चीजें क्या कर सकते हो, अलग से रोज एक खा सकते हो, पाचन तंत्र एकदम फिट रहेगा। चले आगे, ओके। तो सबसे पहले आता धनिया लो। धनिया तो भैया हरी धनिया भी आती मार्केट में, इसको रूखा खा सकते हो तुम लोग, है ना, मतलब चबा सकते हो इसको, कोई दिक्कत नहीं आती है। और ये धनिया तो पता ही है जो डालते हैं हम लोग छौंकों का लगाते हैं तब, ठीक है। कोरिएंडर इज एन एनुअल हर्ब, है ना, सिंगल एक ही बार फल देगी और खत्म हो जाती है। इन द फैमिली एपिएसी, एपिएसी फैमिली में पाया जाता है, एनुअल हर्ब है, पहले बता चुका है। एनुअल मतलब जो अपनी लाइफ साइकिल एक ही सीजन में कंप्लीट कर लेती है, या फिर हम यूं कह सकते हैं एक ही बार फल देगी उसके बाद ये अंत हो जाता है। सिनोनिम और क्या क्या कहा जाता है इसको, चाइनीज पार्सले, धनिया और सिलांट्रो के नाम से फेमस है अलग अलग जगहों पर। ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट आर एडिबल, एडिबल मतलब खाने योग्य, लिख लो हिंदी, एडिबल मतलब खाने योग्य। प्लांट का पूरा हिस्सा, जड़ से उखाड़ो, जड़ हटा दो, जड़ भी खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऑल पार्ट बता रहा है उसको भी खा सकते हैं, साफ कर लो पूरा चबा जाओ, तो सारे पार्ट इसके एडिबल है। बट द लेकिन फ्रेश लीव, ताजे पत्ते तुरंत तोड़ के खाना, एंड द ड्राइड सीड, और ये सूखे हुए बीज, एज अ स्पाइस, यानी कि स्पाइस यानी कि मसालों के तौर पर, आर द पार्ट ऑफ मोस्ट ट्रेडिशनली यूज्ड कुकिंग, हमारे खाने के जो मोस्ट ट्रेडिशनली कुकिंग है उसमें क्या होता है, इनका इस्तेमाल होता है। ट्रेडिशनली मतलब जो हम बहुत पुराने समय से इस्तेमाल करते हुए चले आ रहे हैं, ओके। इट इज यूज टू फ्लेवर मैनी फूड्स, है ना, कई सारे खाने को हम लोग, हमको पता नहीं चलता कि इससे स्वाद जो आ रहा है वो किसकी वजह से आ गया है। कई सारी चीजें डाल दी जाती है उसमें, धनिया का भी स्वाद होता है हमको, लेकिन जो बहुत अच्छे कुक होते हैं उनको समझ में आ जाता है कि ये वाला जो स्वाद है धनिया की वजह से है। तो फ्लेवर करने के लिए पर्टिकुलरली सॉसेज, सॉसेज क्या होता है, मीट का बना हुआ एक प्रोडक्ट है, उसको हम सॉसेज कहते हैं। करीज, करीज मतलब तरकारी, जो रसीली सब्जियां होती हैं, ठीक है ना। स्कैंडिनेवियन पेस्ट्रीज, लिक्वर यानी कि अल्कोहल पेस्ट्रीज, जो वही खाने वाली चीजें होती हैं। एंड कन्फेक्शनरी, कन्फेक्शनरी क्या होता है, देखा ना आजकल जगह जगह दुकान खुल जाती है कन्फेक्शनरी की, जिसके अंदर मिठाइयाँ, केक, चॉकलेट आदि मिष्ठान मिलते हैं, सच एज इंग्लिश कॉम्फिट, ये भी एक क्या है, अंग्रेजी की मिठाई है। तो इन सब चीज़ों में कोई दो चार याद रख लेना, सारे याद नहीं रहेंगे कोई बात नहीं, इन सब में धनिया का इस्तेमाल होता है फ्लेवर लाने के लिए, स्वाद लाने के लिए, है ना, ओके। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो ड्राइड राइप फ्रूट, देखो ये जो बीज है ये पका हुआ फ्रूट होता है, किसका, कोरिएंड्रम सटाइवम का, फैमिली अम्बेली फेरे, फैमिली क्या हो जाएगी इसकी, अम्बेली फेरे, ठीक है ना। केमिकल कंस्टिट्यूएंट का नाम करें तो इट, देखो ये मान के चलो वोलेटाइल ऑयल सब में है, हर किसी के वोलेटाइल ऑयल में कुछ अलग अलग केमिकल पाए जाते हैं। वोलेटाइल अगर कुछ नहीं है तो वोलेटाइल ऑयल, फिक्स्ड ऑयल, टैनिंस लगभग लगभग सब में पाए जाते हैं, प्रोटीन लगभग लगभग सबके अंदर पाया जाता है। दो तीन जो चीजें हैं ये तो तुम लिख ही सकते हो सब में, क्लियर है, ठीक है ना। दो तीन चीजें, वोलेटाइल ऑयल हो गया, फिक्स्ड ऑयल, प्रोटीन्स, टैनिंस, है ना, ये बातें जनरली लिख सकते हो, लेकिन पर्टिकुलर याद रहे तो अच्छी बात है, अदरवाइज कैसे क्या रहेगा। मेनली जो भी इनका कंटेंट होता है वो कहाँ पाया जाएगा, इसका जो वोलेटाइल ऑयल होता है उसके अंदर इनके मेन कंटेंट होते हैं जो कि हमको फायदा पहुंचाते हैं, जैसे कि डी लिनालूल, एल बोर्नियोल, जेरानियोल, पाइनी लीव्स कंटेन विटामिन ए, इसमें पत्ते होते हैं उसमें क्या पाया जाता है, विटामिन ए पाया जाता है। तो दो या तीन तो पक्के से याद कर लेने, बाकी फिर धीरे धीरे याद होते रहेंगे। थेरापेटिक एफिकेसी, अब पेट के लिए पढ़ रहे हैं तो पेट के देख लो, पेट में क्या क्या हो सकता है वो तो सारे करना ही करना है, और साथ साथ में क्या कर रहा है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को,
कोलेस्ट्रॉल लेवल को चेक करता है, रोकता है, प्रिवेंट एलर्जी, हमारी एलर्जी को भी खत्म कर रहा है, मेक बोन्स हेल्दी, हमारी बोन्स को भी स्ट्रॉन्ग कर रहा है, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है, ठीक है, कीप अनीमिया एट बे, एनीमिया को दूर रखता है, खून की कमी को, डायरिया को ठीक करेगा, सूदेस इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्किन, स्किन में कोई इन्फ्लेमेशन हो गई है उसको ठीक करेगा, ट्रीट स्मॉल पॉक्स, स्मॉल पॉक्स को भी ठीक करता है, क्योर फॉर माउथ अल्सर, इम्प्रूव कार्डियोवास्कुलर हेल्थ, हमारा जो हार्ट होता है उसके लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। और इसमें एक चीज़ जो है हमारे पास, ठीक है, जैसे कि डायरिया, यानी डायरिया हमारा कहाँ से हो गया, पेट से रिलेटेड हो गया, ठीक है, तो इस तरीके से ये कई सारी चीज़ों में काम आता है और मेन हमारे पेट के लिए तो काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता ही होता है। क्लियर है? सौंफ, फेनल, ये सब कुछ पौधा होता है, इसमें आगे जाके सौंफ लगती है, सौंफ सबने देखी हुई है कैसी होती है ना, कितना आराम से, अच्छा सौंफ फेनल है ना, मजेदार चीज़, आओ देखें है ना, ये तो रोज का अपने घर में खा सकते हैं हम लोग। फेनल, तो फेनल इज अ फ्लावरिंग प्लांट, देखो ये फ्लावरिंग प्लांट है, ये कैसा प्लांट है, फ्लावरिंग प्लांट है, स्पीसीज इन द कैरेट फैमिली, जो कैरेट की फैमिली है गाजर वाली, उसकी फैमिली के वो ये बिलोंग करता है, ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट है, दो बातें होगी इसके बारे में, ओके। इट इज अ पेरेनियल हर्ब, पेरेनियल मतलब ये क्या कर सकता है, कई सारे उसमें, पेरेनियल मतलब क्या हो गया, बाइनियल, एनुअल और पेरेनियल, पेरेनियल को हमने एक तरह से कह सकते हैं, जैसे कि हम कहते हैं सदाबहार, या उसको मोर देन टू सीजन लग जाते हैं, क्या है, अपनी साइकिल वो एक बार करके कंप्लीट करके वापस से कंप्लीट करता है, अपनी एक लाइफ साइकिल पूरी करेगा फिर दोबारा करेगा, जैसे हमने बताया था आम का पेड़, आम का पेड़ होता है ना, देखा है, एक बार फल दे देगा, फिर अगली बार फिर फल देगा, फिर फल देगा, तो पेरेनियल विद येलो फ्लावर, फ्लावर पीले होते हैं एंड फेदरी लीव्स, लीव्स जो होते हैं इसके फेदर टाइप के होते हैं, पंखनुमा, इट इज ग्रोन फॉर इट्स एडिबल शूट, इसका जो शूट होता है वो खाने लायक होता है, उसके लिए उसे ग्रो कराया जाता है, लीव वो भी इसका है एडिबल है, और सीड वो भी इसके एडिबल है, यानी कि एक तरह से इसका रूट, शूट, लीव और सीड्स तीनों ही चीज़ें एडिबल हैं, ठीक है ना, तो इन तीनों चीज़ों के लिए इसको ग्रो कराया जाता है, जब ये बड़ा होता है तो हम इसको काट लेते हैं, और ये तीनों पार्ट हमारे काम में आते हैं, सीड इसका सबसे ज़्यादा काम में आता है। ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स आर एरोमेटिक, सारे पार्ट्स में खुशबू आती है, एरोमा, एरोमा, एरोमा मतलब खुशबू, ठीक है ना, तो वहीं से वर्ड बन गया एरोमेटिक, क्लियर है, लिख लेना हिंदी में, जिसकी हिंदी बता दो खटाक से लिख लेना, फिर बता रहा हूं मैं, हिंदी नहीं लिखोगे तो गए काम से। इट इज हाईली फ्लेवरेबल हर्ब यूज्ड इन कुकिंग, बहुत ही ज्यादा फ्लेवरेबल है, ये तो जो कुछ जनरल टर्म्स है बच्चों सब में लिख सकते हो, साबे जो हम पढ़ेंगे वो सब फ्लेवर देते हैं कुकिंग में, है ना, उसका स्वाद बढ़ाते हैं, गुड फॉर डाइजेशन सब में लिख सकते हो। द सीड्स एंड एक्सट्रैक्टेड ऑयल, जो इसका बीज होता है और जो तेल निकाला जाता है, आर यूज्ड फॉर अरोमा एंड टेस्ट, खुशबू के लिए और स्वाद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, एंड आर यूज्ड फॉर सेंटिंग सोप, साबुन में भी डाला जाता है, इवन साबुन में खुशबू लाने के लिए, परफ्यूम में भी डाला जाता है, एंड परफ्यूम एंड फॉर फ्लेवरिंग कैंडीज, टॉफियों के अंदर, अल्कोहल के अंदर, दवाइयों के अंदर, फूड के अंदर, पर्टिकुलरली पेस्ट्रीज, स्वीट पिकल्स जो मीठा अचार होता है, और फिशेस, तो ये सब क्या है, हम लोग ये लाइन एक बहुत ही कॉमन लाइन है, ऊपर भी थी नीचे भी थी, तो थोड़ा बहुत मिक्सअप करके अगर आगे पीछे करोगे तो है ना लिख सकते हो कि सब फ्लेवर में काम आ रहे हैं, दो चार फूड के नाम लिख सकते हो, तो ये एक एक्स्ट्रा लाइन तुम्हारी ऐड हो जाएगी इसमें, ठीक है। सिनोनिम की बात करें तो फेनल फ्रूट, अब ये ध्यान रख लो, जैसे कि स्टार्टिंग में क्या, जैसे ये फ्रूट है कि सीड है कि क्या है ना, सौंफ कहते हैं इसको हिंदी में, तो सौंफ मैंने हिंदी में भी लिखा हुआ था, ठीक है ना, तो ये क्या रहेगा, इस तरह इसके सिनोनिम भी याद हो जाएंगे। बायोलॉजिकल मैंने क्या कहा, ड्राई ड्राई फ्रूट ऑफ द प्लांट फॉइनिकुलम वल्गेर ऑफ फैमिली अम्बेली फेरे, ठीक है ना, क्या है, फॉइनिकुलम वल्गेर ऑफ फैमिली अम्बेली फेरे, ये यहाँ पर थोड़ा सा पार्ट आ जाता है याद करने वाला, तो इसको कैसे करोगे मैं बच्चों बता दूँ, एक चीज, नौ के नौ ड्रग लोगे इसके, एक साथ लिखोगे, उसमें स्पीसीज का नाम लिखोगे यहाँ पर, और यहाँ सामने लिखोगे क्या, फैमिली, एक साथ, एक ही साथ, एक दो तीन, इस तरीके से जब एक साथ लिखोगे तो जल्दी याद होगा, कई सारों की फैमिली एक जैसी होगी, उनको एक साथ कर लेना, जिनकी फैमिली एक है उनको एक साथ कर लेना, याद करने में आसानी रहेगी, क्लियर है, ओके। फिर मैंने जैसे कहा था सब में क्या है, वोलेटाइल ऑयल, ये फीड लिखा हुआ है, फीड नहीं है, ये है फिक्स्ड ऑयल, ठीक है। प्रोटीन मैंने कहा था ये तीन चीज सब में पाई जाती है, और इनके जो मेल मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है वो किस में पाए जाते हैं, वोलेटाइल ऑयल में, ठीक है ना, जैसे कि यहाँ पे फेनल था, फेनल से एक फेनकोन याद कर लो, फेलेंड्रीन याद कर लो, एनिसिक एल्डिहाइड हो गई, ठीक है, एनिथोल याद हो गया, तो कुछ दो चार जो ऐसे नाम है, ये लिमोनिन हो गया, ऐसे नाम जो कि क्या है बड़े ही कॉमन है या मेन ड्रग से मिलते जुलते हैं, उनको बहुत इजीली हम लोग याद कर सकते हैं।
चलें आगे, थेरेप्यूटिक एक्टिविटी की बात करें तो एक्ट एज माउथ फ्रेशनर, है ना, मुंह की बदबू को दूर करने में हेल्प करता है। एंटी एजिंग, बुढ़ापा दूर करेगा, बुढ़ापा लेट करेगा, दूर नहीं करेगा। प्रिवेंट हेयर फॉल, बाल गिरने से रोकता है। एंटीसेप्टिक है, एंटीऑक्सीडेंट है। प्रिवेंट फ्रॉम आई डिसऑर्डर, आंखों की बीमारियों में बचाएगा। रिड्यूस वेट, वजन कम करने में भी हेल्प करता है। रिलीफ फ्रॉम कॉमन कोल्ड एंड कफ, है ना, कोल्ड एंड कफ हो जाए तो खा लो तो उसमें भी आराम करता है। प्रमोट प्रॉपर बाउल मूवमेंट, बाउल मूवमेंट मतलब हमारा पेट के डाइजेशन को दुरुस्त रखेगा। इम्प्रूव बोन स्ट्रेंथ, हमारी बोन को मजबूत रखेगा और उसकी ग्रोथ करवाएगा। रिलीफ मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम, जो फीमेल में मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम होती है उनसे क्या करेगा, वो छुटकारा दिलाएगा और हमको राहत देगा। तो देखा कितने काम की चीज़ है ये। तो अब ये जो कॉमन चीज़ें हैं ना, इनको आप अगर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐड कर लो तो अपने आप ही फिट रहोगे, ठीक है ना। खाने के साथ साथ थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी ले लोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। कार्डेमम इलायची, कौन नहीं जानता है, ऐसी हरी इलायची फिलहाल किसी ने नहीं देखी होगी, है ना। रियलिटी में तो हरी इलायची मैंने नहीं देखी, ये उसका पेड़ है, कुछ इस तरीके से गुच्छों में ये लगते हैं, हमको कुछ ऐसे मार्केट में मिलते हैं। क्लियर, देख ली कार्डेमम इलायची। चले आगे देखते हैं क्या है कार्डेमम। तो आल्सो कॉल्ड कार्डामोन और कार्डामम, इज अ स्पाइस, एक मसाला है, मेड फ्रॉम द सीड्स। किससे बना है, देखो ये मेन चीज क्या है इसके, ये सीड होते हैं ना, ये मेड फ्रॉम सीड। तो ये चीज मेंशन कर लेना शॉर्ट की फैंस के आगे लिख करके, इसका सीड, इसका फ्रूट, इसका पत्ता, इसका जड़, इसका बार्क, इसकी छाल। ऑटोमेटिक कौन से पार्ट से हो रहा है वो बनता चला जाएगा, है ना। अब क्या हो गया तुम्हारे पास, ऐसे में तीन लाइनें करोगे यहाँ पे, स्पीसीज, फैमिली, कहाँ से आ रहा है सीड, मतलब कहाँ से आ रहा है, सीड है तो सीड लिख दोगे, फ्रूट है तो फ्रूट लिख दोगे, छाल है तो बार्क लिख दोगे, है ना। किस प्लांट के पार्ट से वो आ रहा है, इस तरह से लिस्ट बन जाएगी तुम्हारी, खटाक से याद हो जाएगी। क्लियर है, ओके। तरीका बता सकता हूँ, याद तुम ही लोगों को करना है, देखो ठीक है ना, याद करने कोई और नहीं आएगा। इसका जेनरा है वो है एलिटेरिया, जेनरा मतलब एक जेनस और स्पीसीज होती है ना, तो जीनस एलिटेरिया एंड अमोमम, मतलब दो जेनरा से पाया जाता है ये। फैमिली क्या है दोनों की, जिंजीबेरेसी, दोनों किस फैमिली से पाए जाएंगे, जिंजीबेरेसी फैमिली से पाए जाएंगे। ये लाइन आगे भी ऐड हो जाएगी जाके, बोथ जेनरा आर नेटिव टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड इंडोनेशिया, ये इंडियन है और इंडोनेशिया में नेटिव मतलब वहां पे नेचुरली पाए जाते हैं। स्पाइसिस यूज फॉर कार्डेमम आर, सॉरी स्पीसीज यूज फॉर कार्डेमम आर नेटिव थ्रू आउट द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एशिया। ये लाइन चाहो तो उसका उसके ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में देना चाहो दे देना, अभी ऐसा कोई खास मेंशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ट्रॉपिकल मतलब मैं बता ही चुका हूँ पहले, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एशिया। कार्डियो हैज स्ट्रॉन्ग यूनिक टेस्ट, ठीक है ये डाल सकते हो, स्ट्रॉन्ग यूनिक टेस्ट होता है विद एन इंटेंसली एरोमेटिक फ्रेगनेंस। सबको पता है इलायची खाओ तो बहुत अच्छी खुशबू आती है, इंटेंस मतलब बहुत ज़्यादा खुशबूदार, एरोमा एंड फ्रेगरेंस, है ना, बहुत ज़्यादा खुशबूदार होता है। ग्रीन कार्डियम इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव स्पाइसेस, जो हरी इलायची होती है सबसे ज़्यादा महंगी स्पाइसेस है बाय वेट, वजन के हिसाब से अगर कोई मसाला सबसे महंगा है तो वो हरी इलायची है। बट लिटिल इज नीडेड टू इम्पार्ट फ्लेवर, महंगी सबसे ज़्यादा, लेकिन दो दाने या दो इलायची ही काम कर जाती हैं पूरे फ्लेवर का, ठीक है। सिनोनिम में कार्डामम फ्रूट, इलायची हिंदी में और कार्डामम सीड के नाम से आते हैं या हम लोग को बुला सकते हैं। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो मैंने बताया ड्राई ड्राई फ्रूट, ठीक है ना, पका हुआ फ्रूट ऑफ एलेटेरिया कार्डेमोम ऑफ फैमिली जिंजी ब्रेसी। क्लियर, केमिकल कॉन्स्टेंट बताया वोलेटाइल फिक्स्ड ऑयल, यहाँ पे स्टार्च आ गया, प्रोटीन भी है, स्टार्च याद रहे अच्छी बात है ना, प्रोटीन, तो ये तीन तो लिखने हैं। फिर वोलेटाइल ऑयल में क्या क्या पाए जाएंगे ये तुम्हें यहाँ से थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा, जैसे बॉर्नियोल इसमें कॉमन आ गया, पीछे वाले भी था, सीनियोल, टर्पिनियोल और टर्पिन अल्कोहल, ये पाए जाते हैं इसके अंदर। थेरापेटिक एफिकेसी, क्योर्स बैड ब्रीथ, सबको पता है कि मुंह की बदबू भगाने के लिए हम लोग इसका ज़्यादातर इस्तेमाल कर लेते हैं। इम्प्रूव एपेटाइट, हमारी भूख को भी बढ़ाता है ये, ठीक है। इन्हेंस डाइजेशन, हमारे पाचन क्रिया को अच्छा करता है। इम्प्रूव किडनी हेल्थ, किडनी को भी अच्छा करता है। डिटॉक्सिफाई द बॉडी, बॉडी में जो दुनिया भर के टॉक्सिन्स अगर आ गए हैं कहीं से उनको भी हटाएगा। हेल्प टू ट्रीट अनीमिया, है ना, खून की कमी को पूरा करता है। इम्प्रूव सेक्सुअल हेल्थ, हमारी सेक्सुअल हेल्थ को भी अच्छा करेगा। एसिडिटी से राहत दिलाएगा, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करेगा एंड कोल्ड एंड फ्लू से भी हमको राहत दिलाएगा। क्लियर है, तो कितना अच्छा, यानी कि आपकी बार अगर तुम्हें लगे कि जुकाम उखाम के लक्षण है इलायची खा लो, उससे पहले हमने क्या पढ़ा था, वो इससे पहले वाला सौंफ था उसको खा लो,
है ना, तो ये सब क्या है, देसी नुस्खे हो जाएंगे हमारे। जिंजर अदरक कौन नहीं जानता भैया इसके बारे में, सब जानते हैं, मेरे ख्याल सबने देख रखा होगा, है ना, देखा कि नहीं देखी अदरक ऐसे हरी, ये भले ना देखी हो, ये तो पक्का देख रखी होगी। चलो आ जाओ, ओके, तो बात करें अगर हम लोग अदरक की, तो जिंजर इज अ फ्लावरिंग प्लांट हुज राइजोम, देखो राइजोम होता है जो ये वाला पार्ट है ना इसका, ये ऊपर से अगर मैं इसको एक ऐसे उठा लूं तो ये ऐसे जड़ इसकी ऐसी रहती है फैली फैली, इसकी जो ये है ना जड़, इसी को राइजोम कहा जाता है। हुज राइजोम, जिंजर रूट और जिंजर, इसी राइजोम को चाहे जिंजर रूट कह लो चाहे जिंजर कह लो, ठीक है। इज वाइडली यूज्ड एज, है ना, वाइडली मतलब बहुत ज्यादा इस्तेमाल करी जाती है स्पाइस एंड फोल्क मेडिसिन, फोल्क मतलब देसी दवाओं में, फोल्क मतलब अपनी देसी दवाएं। इट इज हर्बेशियस, ये हर्बेशियस होता है, हर्बेशियस मतलब पता ना, बिना डंडी वंडी वाला, सिर्फ पत्ते पत्ते होते हैं, पेरिनियल है, ठीक है ना, इसको एक सीजन से ज्यादा, दो सीजन से ज्यादा का टाइम लगता है पकने में। विच इज ग्रो एनुअल सूडो स्टेम, विच ग्रोस एनुअल सूडो स्टोम, यानी हर साल एक सूडो स्टोम ग्रो करता है एनुअल। ये देख रहे हो ये जो इसके ये देख रहे हो ये इसकी स्टेम नहीं है, जैसे कि लेसन के ऊपर होता है ना, मतलब पत्तों का गोल 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 है, जैसे केले का पेड़ देखा है, पेड़ तो होता ही नहीं है, काटो तो पत्ते का ही तो बना हुआ होता है उसका तना, तो ये भी तना जो है इसका ये पत्ते का बना हुआ है, इसलिए सूडो कहा गया है, फॉल्स, सूडो मतलब झूठा, फॉल्स स्टेम होती है ना। मेड ऑफ द रोल्ड बेस ऑफ लीव्स, लीव्स के गोल गोल घुमावदार होकर के स्टेम बनती है, अबाउट 1 meter टॉल, बियरिंग नैरो लीफ ब्लेड, ठीक है ना, इसके जो पत्ते होते हैं देख रहे हो, बहुत पतले पतले से निकले हुए होते हैं, ठीक है, और लगभग 1 meter ऊपर तक इसका स्टेम जाती है ये। द इनफ्लोरसेंस, इनफ्लोरसेंस मतलब फ्लावर, फ्लावर का जो गुच्छा होता है, पैटर्न होता है, बियर फ्लावर हैविंग पेल येल्लो पेटल्स, इसके जो पेटल्स होती हैं, पंखुड़ियाँ होती हैं, वो येल्लो कलर की होती है विद पर्पल एजेस, उसके जो किनारे होते हैं वो पर्पल कलर के होते हैं पंखुड़ियों के। जिंजर इज इन द फैमिली जिंजिब्रेसी विच ऑल्सो इंक्लूड टर्मेरिक, इसी फैमिली में कौन आती है, हल्दी भी आती है, ठीक है, कुरक्यूमा लौंगा, कार्डेमम एलेटेरिया, कार्डेमम देखो तीन मिल गए, टर्मेरिक खैर अपने कोर्स में नहीं है, कोई बात नहीं, कार्डेमम तो है, सेम फैमिली वालों को एक साथ रख करके याद करोगे फायदे में रहोगे, उनके यूज भी लगभग क्या मिल जाएंगे, बराबर मिल जाएंगे। सिनोनिम की बात करें तो जिंजीबर और जिंजीबेरीज, क्लियर है। बायोलॉजिकल सोर्स राइजोम, ध्यान रखना राइजोम लिखोगे, जड़ मत रूट मत लिख देना। जिंजीबर ऑफिसिनेल ऑफ फैमिली जिंजीबेरेसी, केमिकल कॉन्स्टेंट लगभग लगभग सेम ही आ जाएंगे, वोलेटाइल ऑयल स्टार्स है ना, जिंजर से जिंजीबर, जिंजीरोल, तो ये दो नाम तो ईवी हो गया है ना, जिंजर से नाम निकल के आ गया जिंजीबरीन और जिंजरोल, क्या बोलते हो हैं, थ्योरेटिक एफिकेसी कौन नहीं जानता इसका, है ना, बहुत ज़्यादा इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी है, मसल पेन को दूर करता है, सोरनेस जो गले में खराश होती है ना, करता है गले खराश के लिए वर्ड आता है सोरनेस, पेन में राहत देता है, क्रोनिक इनडाइजेशन, अगर पच नहीं रही है चीज़ें तो अदरक का जूस पीना शुरू करो, लोअर कोलेस्ट्रॉल लेवल, बीपी ज़्यादा रहता है और कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है इसका जूस पीना शुरू करो, मेंस्ट्रुअल पेन जिन फीमेल्स को बहुत ज़्यादा होता है इसका जूस पीना शुरू करें, कैंसर मैं ये नहीं कहूँगा ठीक कर देगा, राहत देगा, हेल्प फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन है ना, इन्फेक्शन जो होता है बॉडी में उसके अगेंस्ट फाइट करता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट, कैन हेल्प विद ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो ऑस्टियोआर्थराइटिस होती है जॉइंट की प्रॉब्लम उसको ठीक करेगा, टू ट्रीट मैनी फॉर्म्स ऑफ नॉइजिया स्पेशली मॉर्निंग सिकनेस है ना, सुबह उठते उठते अजीब सा उबकाई सी आती है उसको ठीक करता है, लोअर ब्लड शुगर एंड इम्प्रूव हार्ट डिजीज रिस्क फैक्टर। एक चम्मच जूस रोज पी लो, ठीक है, देखो जो बच्चे अभी 18-19 साल के फिट होंगे उनके लिए नहीं है ये जनरली क्या, हाँ ले सकते हो लेकिन ज़्यादा लेने से कई बार थोड़ी प्रॉब्लम भी हो जाती है, एक्स्ट्रा लेने की जरूरत नहीं, हल्की कोई प्रॉब्लम लग रही तो ले लो, अदरवाइज क्या है जो एक आ गए हैं 25-26 साल में प्रॉब्लम रह रही है उनको, बाहर रहना पड़ रहा है, खा पी बाहर का ज़्यादा रहते हैं, तो एक अदरक घिस करके निचोड़ करके एक चम्मच अर्क पी लो, देसी दवा हो गई अपनी, फिट रहोगे एकदम से, क्लियर है, हो गए डॉक्टर चलो देसी डॉक्टर बन गए हैं। क्लॉव लॉन्ग कौन नहीं जानता, ये देखो इसका ये हरे हरे पे ऐसा दिखाई देता है, जो फूल बन जाते वैसे होते हैं, अदरवाइज में जब पक जाएंगे तो ये रहे, जो खिल गए हैं वो ये रहे खिले हुए है ना, जो नहीं खिले वो ये रहे, ठीक है, क्लियर है। क्लोव्स आर द एरोमेटिक फ्लावर है ना, खुशबूदार फ्लावर होता है, बट बट मतलब एरोमेटिक फ्लावर, फ्लावर बट फूल के कलियां होती हैं ऑफ अ ट्री इन द फैमिली
मिर्टेसी या मायटेसी के नाम से इसको बुला सकते हैं। दे आर नेटिव टू द मुलुकू आइलैंड, ठीक है ना, मुलुकू आइलैंड का नेटिव है, ठीक है, ये चाहो तो याद रखना वरना ना रखना। और इसको हम लोग मुलुकास भी कहते हैं, इन इंडोनेशिया में पाया जाता है ये। एंड आर कॉमनली यूज्ड एज स्पाइस, मसाले के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। पहले बता चुका हूँ ये लाइन बड़ी कॉमन है कि ये एक स्पाइस के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं सारे के सारे, ठीक है ना। क्लोव्स आर अवेलेबल थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल अवेलेबल रहता है, ओइंग टू डिफरेंट हार्वेस्ट सीजन इन डिफरेंट कंट्री, अलग अलग कंट्रीज में इसका जो पकने का सीजन है, कटने का सीजन है, वो अलग अलग है, इसीलिए थ्रू आउट द ईयर पूरे साल ये अवेलेबल रहते हैं। सिनोनिम की बात करें तो क्लोव बर्ड्स, क्लोव फ्लावर और लॉन्ग के, लॉन्ग तो हिंदी में बोलते ही हम लोग। बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, अभी पता चल चुका है, ड्राइड फ्लावर बर्ड्स है ना, फ्लावर बर्ड्स होते हैं ऑफ यूजीनिया कारियोफाइलस ऑफ फैमिली माइटेसी, ठीक है ना, ये थोड़ा सा नाम प्रोनाउंस करेंगे, यूजेनिया कारियोफाइलस, यूजेनिया कारियोफाइलस, ठीक है ना। केमिकल कंस्टिट्यूएंट बताया यहाँ पे, वोलेटाइल ऑयली है, यूजेनिया कारियोफाइलस, यूजेनिया से यूजिनॉल, यूजिनॉल एसिटेट, ठीक है ना, और जो इसकी ये है कारियोफाइलस से कारियोफाइलिन, क्लियर है। तो इस तरह से तीन नेम जो यहीं से निकल के आ गए, आसान हो गया, बाकी याद नहीं रहे कोई बात नहीं है। टैनिन जैसे मैंने बताया था, टैनिन सब में पाया जाएगा, टैनिन के साथ इसमें वैनिलिन भी आ गया, बाकी नाम देख ले, मिथाइल अमीन, कीटोन और ईस्टर्स एंड अल्कोहल भी पाए जाते हैं। तो जो इसके नाम से मिलते हुए नाम है उनको पहले याद करो, वो इम्पॉर्टेंट है ना, वो तुमको क्या रहेगा बताना रहेगा। थेरोपेटिक एफिकेसी क्या क्या काम में आते हैं, प्रोटेक्ट करता है लिवर को, है ना, हमारे आंतों को बचाता है, फॉर ए हेल्दी स्टमक, हमारा स्टमक को अच्छा रखेगा, फॉर ट्रीटिंग ओरल डिजीज, जो हमारे मुंह की चीजें होती है ना, चबा लो मुंह में तो मुंह का स्वाद अलग हो जाता है। रिड्स हेडेक, सर दर्द से बचाएगा, फाइट लंग कैंसर, लंग कैंसर को लड़ता है उससे, कीप डायबिटीज इन चेक, डायबिटीज को कंट्रोल में रखता है, ठीक है, डायबिटीज को कंट्रोल में रखता है। स्ट्रेंथन द इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, टू इनहेंस बोन स्ट्रेंथ, बोन स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, इंप्रूव डाइजेशन, हमारे डाइजेशन को बढ़ाता है, स्ट्रॉन्ग एंटीबैक्टीरियल एजेंट, ये एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंटीबैक्टीरियल एजेंट है। तो ये बातें तुम लोगों को समझ में आ रही होंगी, क्लियर है, चलें आगे। ओके, देन ब्लैक पेपर है ना, काली मिर्च, काली मिर्च अगर हम बात करें तो देख सकते हो काली मिर्च कुछ इस तरीके से, हरी जो हरी वाले होते हैं, जब पका हुआ ये है ना, ये पक गया और ये हरे वाले केस में, और तोड़ के फिर मार्केट में ऐसे अवेलेबल है, सबको पता है हमें। तो ब्लैक पेपर की बात करें अगर, ये फ्लावरिंग वाइन है, एक वाइन मतलब जैसे कि अंगूर की बेल होती है ना, तो बेल नुमा रहती है, कैसी रहती है, बेल नुमा रहती है, ये चढ़ती है प्लांट पे ऊपर और फूल, इसके अंदर फूल आता है, जब फ्रूट आ रहा है तो फूल तो आएगा ही आएगा। इट इज कल्टिवेटेड फॉर इट्स फ्रूट नोन एज पेपरकॉर्न विच इज यूजली ड्राइड एंड यूज एज ए स्पाइस एंड सीजनिंग, छोंक, छोंक लगाने में इसका इस्तेमाल आता है, ठीक है। ये क्या है, फ्रूट है, इसको पेपरकॉर्न भी कहते हैं, सूखा हुआ, इसको फ्रूट जब सूख जाता है वो एज ए मसाला स्पाइस के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। द फ्रूट इज अ ड्रूप, ड्रूप का मतलब अंदर बीज ऊपर पका हुआ, जैसे कि आम अंदर बीज होता है ऊपर उसका पल्पी होता है जब खा लेते हैं, है ना, तो वैसे इसमें तो बाद में सुखा लिया ऊपर वाला जो उसका ये मास होता है ऊपर जो खा वो उसको सूख गया वो, तो ड्रूप, ड्रूप फ्रूट का कौन से होते हैं जिनके अंदर सीड पाए जाएंगे और ऊपर उसका गुदारा मास जैसा होगा, ठीक है ना। डार्क रेड एंड कंटेन अ स्टोन, स्टोन मतलब अंदर बीज होगा, विच इनक्लोजेस अ सिंगल पेपर सीड, एक स्टोन होता है उसके अंदर, जैसे कि गुठली, आम की गुठली एक स्टोन नुमा होती है, उसके अंदर बीज होता है ना, तो वैसे स्टोन उसके अंदर बीज पाया जाता है इसका। ड्राइड एंड कुक पेपरकॉर्न हैव बीन यूज सिंस एंटिक्विटी, ठीक है। ग्राउंड ड्राइड, ये ग्राउंड वर्ड्स कुछ गड़बड़ है, सूखा कुक्ड पेपरकॉर्न हैव बीन यूज सिंस एंटिक्विटी बोथ फॉर फ्लेवर एंड, ठीक है, यहाँ लाइन थोड़ी मिस्टेक हो रही है मेरे को लग रहा है, यहाँ पे होना चाहिए था कि ड्राइड जो ये हमारे पास ब्लैक पेपर है, ठीक है ना, या पेपरकॉर्न हैव बीन यूज, है ना, सूखा हुआ पेपरकॉर्न, कुछ लाइन की मिस्टेक्स हो गई यहाँ पर, हैव बीन यूज सिंस एंटिकिटी, प्राचीन काल से हम लोग इसका इस्तेमाल करते आ रहे हैं, बोथ फॉर फ्लेवर, खुशबू के लिए, स्वाद लाने के लिए, एंड ट्रेडिशनल मेडिसिन, जो हमारी ट्रेडिशनल मेडिसिन है जो हमारे काम में आती है,
ठीक है ना, देसी दवाइयां, उनमें हम लोग इसका बहुत पुराने समय से इस्तेमाल कर रहे हैं। ब्लैक पेपर इज द वर्ल्ड्स मोस्ट ट्रेडेड स्पीसीज, दुनिया में सबसे ज्यादा किसी मसाले का आयात निर्यात होता है तो वो कौन सी है, काली मिर्च। एंड इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन स्पाइसेस एडेड टू क्यूजीन अराउंड द वर्ल्ड। क्यूजीन मतलब जो हमारे तरह तरह के व्यंजन होते हैं उनको क्यूजीन कहा जाता है ना, खाने वाले व्यंजन उनको क्या कहा जाता है, क्यूजीन कहा जाता है। तो उनमें सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल होता है अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। इट्स स्पाइसीनेस इज ड्यू टू द केमिकल कंपाउंड पिपरीन, जो इसका स्पाइसीनेस है, तीखापन है, वो इसकी वजह से होता है, पिपरीन की वजह से, ठीक है। अब देखो ब्लैक पेपर, पेपर मतलब मिर्च, पिपरीन वहां से केमिकल आ गया। सिनोनिम की बात करें तो पेपर, पिपर नाइग्रम, ये इसके क्या हो गए, सिनोनिम आ गए। बायोलॉजिकल सोर्स, पड़ी फोटो देख के याद आएगा, ड्राइड अनड्राइड फ्रूट है ना, सूखा बिना पका हुआ फ्रूट ऑफ पाइपर निग्रम ऑफ फैमिली पाइपरेसी। केमिकल कॉन्स्टिटेंट अगेन अल्कोलाइड आ गया, पेपरिन याद ही हो गया, पिपरिडीन है ना, पाइपर से दो वर्ड निकल के आ गए, पेपरिन और पिपरिडीन। ओके, वोलेटाइल ऑयल स्टार्च एंड वोलेटाइल ऑयल के अंदर और क्या क्या पाया जाएगा, फेलेंडेरीन और कार्योफाइलिन। क्लियर है। थेरेप्यूटिक एफिकेसी की बात करें तो थोड़ा सा लेंदी था तो इधर कर दिया मैंने, क्या क्या है, अबंडेंट एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं, जो हमारी बॉडी में अनवांटेड केमिकल्स होते हैं उनको दूर करते हैं, हम कह सकते हैं एंटीऑक्सीडेंट वो चीज़ें हैं जो हमारी बॉडी में बहुत सारी चीज़ों को ठीक करते हैं, हमारे बुढ़ापे को डिले करेंगे, रोकते हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी, इन्फ्लेमेशन को दूर करेंगे। एंटी कैंसर प्रॉपर्टी, इनहेंस योर ब्रेन फंक्शन, ब्रेन के फंक्शन को बढ़ाएंगे। कंट्रोल ब्लड शुगर लेवल, मिनिमाइज हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम, हार्ट से जुड़ी हुई दिक्कतों को कम करेंगे। इम्प्रूव डाइजेस्टिव सिस्टम, ये तो है ही है, सब में लिखना, ये तो बूस्ट अप इम्यून सिस्टम, हमारे इम्यून सिस्टम को भी बढ़ा रहा है, वेट लॉस करने में हेल्प कर रहा है, फाइट अगेंस्ट बैक्टीरिया है ना। देन ट्रीट स्किन इशूज, क्योर डेंटल प्रॉब्लम, दांतों की दिक्कतों को भी दूर करता है, स्किन के इशू भी दूर करेगा। एड्स आ क्विट स्मोकिंग, स्मोकिंग छोड़ने में भी मदद करता है। तो जो लोग चाहते हैं, अगर कोई बुरी आदत है किसी की, तो उसको इसकी सलाह दे सकते हो तुम लोग कि इसकी हेल्प से तुम स्मोकिंग छोड़ने में हेल्प ले सकते हो। क्लियर है। एसाफोइटिडा हींग, देखिए ना इस तरह से हींग का पाउडर देखा होगा घर में तुमने ना, और बड़ी ही तीखी स्मेल होती है उसकी। तो ये देखो ये हींग है एक्चुअली, ये देख रहे हो ये क्या है, ये रेजिन होता है। रेजिन पता है मैंने क्या बताया था, पेड़ का काटो उसमें से टपकता है, ये वो होता है रेजिन, ठीक है ना। ये इसका पेड़ कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा, ये रही हींग के बड़े टुकड़े। और देसी हींग जो आजकल मिल जाती है मार्केट में, कुछ लोगों के पास कुछ ऐसी मिल जाती है, अदरवाइज आज इस समय तो मार्केट में क्या आ रहा है, उसका पाउडर आ रहा है ना। ज़्यादातर कंपनियाँ क्या बना रही हैं, पाउडर है ना। अरे बना रही नहीं बना रही है, नींद आ रही है तुम लोगों को। सो मत भाई, इतनी बढ़िया प्यारी प्यारी बातें चल रही हैं, सोना मना है, आ जाओ। एसोफोइटिडा इज द ड्राइड लेटेक्स एक्सक्यूडेड, लेटेक्स जो मैंने बताया था उसमें निकलेगा गाढ़ा गाढ़ा गम जैसा, एक्सक्यूडेड, एक्सक्यूड मतलब उसमें से निकलना, काट दे उसमें से कोई चीज निकलेगी उसे एक्सक्यूड आउट कहा जाता है। फ्रॉम द राइजोम और टैप रूट ऑफ सेवरल स्पाइसेस ऑफ फेरुला, ठीक है, राइजोम से या उसकी टैप रूट, ये असल में उसकी जड़ निकाल करके कट मारते तो उसके अंदर से निकलता है ये, ठीक है ना। इट इज पेरिनियल हर्ब, ये पेरिनियल है, ठीक है। हैज अ एसोफोइटिडा हैज अ पंजेंट स्मेल, देयरफॉर आल्सो कॉल्ड स्टिंकिंग गम, बहुत तीखी इसकी खुशबू होती है, कुछ लोगों को बदबू भी लगती है इसकी, इसकी जो मतलब मसाले की महक है उसको कुछ लोग बदबू भी बोल देते हैं। द ऑर्डर डिसिपेट अपॉन कुकिंग, जो इसकी तीखी गंध होती है, खाना बनाएंगे डब डालेंगे तो वो फिर खत्म हो जाती है ना, लेकिन खाने में स्वाद लेके आती है, प्लस हमारे पेट के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होती है ये। एसोफोइटिडा इज ऑल्सो नोन एज कॉलोक्वियली एज डेविल डंग है ना, डेविल, डेविल मतलब होता है राक्षस, डंग मतलब गोबर इन इंग्लिश, ठीक है। सिनोनिम में गम एसोफोइटिडा और डेविल डंग के नाम से फेमस है। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें, ओले गम रिजाइन, ठीक है ना, उसके राइजोम से निकल रहा है, तो ओले गम रिजाइन ऑब्टेंड इन बाय इनसाइजिंग, इनसाइज मतलब होता है कोई चीज को तुम हल्का सा क्या करो, कट कर दो, कट लग गया इनसाइज हो गया, उस कट में से कोई चीज निचुड़ के आएगी तो ओले गम रिजाइन इनसाइज कट लगेगा। लिविंग राइजोम जो जिंदा राइजोम होता है, ठीक है, खोदोगे तो एकदम तो मर नहीं जाती है जड़ें, कट मारोगे तो उसके अंदर से निकल के बाहर आता है। एंड रूट्स ऑफ फेरुला फोइटिडा ऑफ फैमिली अम्बेलीफेरी, देखो अम्बेलीफेरी के कई सारे आ गए फैमिली के, तो इन सबको क्या करोगे एक साथ लिख करके कंपेयर करा लोगे, इसका राइजोम आ गया, राइजोम एक और का था अदरक का, तो ये कॉमन जब लिस्ट बना के ना सब चीजों को एक साथ कर लोगे, ठीक है ना, रिविजन का ये सबसे बेस्ट तरीका है। केमिकल कॉन्स्टेंट की बात करें तो वोलेटाइल ऑयल, रेजिन जो मैंने बताया था, गम्स, ओके,
वोलेटाइल ऑयल में क्या है? आइसोब्यूटाइल प्रोपेनाइल डाइसल्फाइड है, रेजिन के अंदर नोटानॉल और रेजिन अल्कोहल पाया जाता है, गम्स अम्बेलिक एसिड और अम्बेलीफेरॉन, ये एक साथ याद कर सकते हो, अम्बेलिक एसिड और अम्बेलीफेरॉन इसके अंदर कॉमनली पाए जाते हैं। थेरेप्यूटिक एफिकेसी की बात करें तो इधर आ जाए हम लोग, हेल्प रिड्यूस मेंस्ट्रुअल क्रैम्प, है ना, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प मतलब पीरियड्स के दौरान जो पेट में मरोड़ या दर्द उठता है उसमें यह मदद करता है, ठीक है। हींग, तो हींग ले सकती हैं फीमेल्स। मेंटेन ब्लड प्रेशर लेवल, बीपी के लेवल को मेंटेन रखेगा, कम ज्यादा होगा तो कंट्रोल करेगा। रिड्यूस डाइजेशन रिलेटेड एलमेंट, एलमेंट मतलब बीमारियां, पेट से रिलेटेड जो बीमारियां होंगी उनको कम करेगा। रिलीफ अगेंस्ट इंसेक्ट बाइट, को कीड़ा काट ले, जलन मछली, दर्द हो रहा है तो उसमें भी राहत देता है ये। रिड्यूस ब्रीदिंग रिलेटेड प्रॉब्लम एलमेंट, सांस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है ना, पायरिया वगैरह, उसमें हेल्प करेगा। गुड फॉर स्किन, हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। प्रिवेंट ब्लेमिशेस एंड पिगमेंटेशन, है ना, ब्लेमिशेस एक तरह से हम कह सकते हैं कि स्किन से रिलेटेड है, जो पिगमेंटेशन है, जो हमारा पिगमेंटेशन रहता है और जो स्किन से रिलेटेड रहेगा उसको ये इम्प्रूव करवाता है। रिस्टोर्स हेयर मॉइस्चर, जो हमारे हेयर होते हैं कई बार सूखे सूखे हो जाते हैं, कुछ लोग कहते हैं हमारे बाल बड़ा सूखा सूखा सा है, उसमें मॉइस्चर लौटाएगा। प्रिवेंट एक्ने, मुहासे रोकेगा, है ना, तो कह सकते हैं ये मुहासे वगैरह जिन लोगों को दिक्कत है ज़्यादा, इसका थोड़ा सा पानी के घोल बना के पी सकते हो, बहुत फायदेमंद रहेगा। नेक्स्ट आते हैं न्यूटमेग, जायफल, सुना ना, जायफल, जायफल कहते हैं, कुछ ऐसा देखा होगा, है ना, चलो आगे आते हैं। ये कुछ ऐसा होता है पेड़ के अंदर, तो देखते हैं क्या बोल रहा है ये न्यूटमेग। इधर सीड क्या है, ये सीड है इसके अंदर का, ऑफ जीनस मारिस्टिका, ठीक है ना। इट इज अ डार्क लीव्ड एवरग्रीन ट्री, सदाबहार पेड़ है, डार्क लीव, पत्ता देख रहे हो एकदम कैसा हरा है, तो इसको हम पेरिनियल भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, पेरिनियल, क्लियर है। इट इज डार्क लीव्ड एवरग्रीन, सदाबहार है ट्री, कल्टिवेटेड फॉर टू स्पीसीज डायरेक्ट फ्रॉम इट्स फ्रूट, दो स्पाइसेस, दो मसालों के लिए हम इसको उगाते हैं, डायरेक्ट फ्रॉम जो कि उसके फल से मिलता है, ठीक है, फ्रॉम इट्स सीड, कहाँ गया, कल्टिवेटेड फॉर टू स्पाइसेस डायरेक्ट फ्रॉम इट्स फ्रूट, न्यूटमेग फ्रॉम इट्स सीड एंड मेस फ्रॉम द सीड, अच्छा ठीक है, फ्रूट, ठीक है, स्पाइसेस मसाला कहां से मिलेगा, उसके बीज से, एंड मेस फ्रॉम इट्स सीड कवरिंग, जो सीड की कवरिंग है ना उससे हमको क्या मिलता है, ये मेस मिलता है, तो हमें सीड की कवरिंग की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जो फल और फल की जो ऊपर एक कवरिंग है, दोनों ही हमारे लिए क्या है, फायदेमंद है, ठीक है। फिलहाल हम इसकी यहाँ फल की बात करेंगे जो हमारे सब्जियों में पड़ता है, क्लियर है। इट इज ऑल्सो अ कॉमर्शियल सोर्स ऑफ एसेंशियल ऑयल एंड न्यूटमेग बटर, है ना, इसका जो फैट होता है इसके अंदर उससे हम लोग न्यूटमेग बटर बनाते हैं, वो भी काफी मार्केट में अवेलेबल है। सिनोनिम की बात करें तो जायफल या मारिस्टिका के नाम से अवेलेबल है। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें, ऑब्टेन फ्रॉम ड्राई ड्राई सीड मारिस्टिका फ्रेग्रेंट ऑफ फैमिली मारिस्टिकेसी, ठीक है ना, मारिस्टिका फ्रेग्रेंट ऑफ फैमिली मारिस्टिकेसी, इट कंटेन वोलेटाइल ऑयल फैट, ठीक है, वोलेटाइल ऑयल के अंदर क्या क्या आएगा, एलिमेसिन सैफ्रोल और मारिस्टिसिन, मायरेस्टिसिन एलिमिसिन और सेफ्रोल, ठीक है, यहाँ थोड़े से नाम ऊपर नीचे हो रहे हैं लेकिन मायरेस्टिसिन तुम लोग याद रख सकते हो मायरेस्टिक एसी फैमिली से। फैटी एसिड के अंदर क्या क्या आ जाएगा, मायरेस्टिक एसिड, पामेटिक एसिड, ऑयलिक एसिड और लॉरिक एसिड, ये बड़े कॉमन से हैं जो शायद तुम लोग पढ़े भी होगे कहीं ना कहीं दाएं बाएं। थेरेप्यूटिक एफिकेसी की बात करें तो लंबी चौड़ी लिस्ट है इसमें, एंटी कन्वर्जेंट प्रॉपर्टी है इसके पास, ठीक है ना, एंटी कन्वर्जेंट याद आया, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में पढ़े थे, किसमें पढ़े थे, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में, और फिर एक बार बता दूं मैं, नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चाहे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के लेक्चर्स हो चाहे कॉग्नोसी के लेक्चर हो, ठीक है ना। देन इफेक्ट अगेन डायरिया, रिड्यूस कोलेस्ट्रॉल लेवल, गुड फॉर स्किन, रेगुलर ब्लड प्रेशर रेगुलेट करता है, बीपी को क्या करेगा, मेंटेन करके रखेगा, डिप्रेशन को कम करेगा, लीवर को बचाएगा, गुड फॉर ओरल, ओरल मतलब मुंह के लिए, मुंह की सेहत के लिए अच्छा है, इंप्रूव ब्रेन एंड हेल्थ, ब्रेन को भी ठीक करता है, ठीक है, इम्प्रूव डाइजेशन, हमारे डाइजेशन को भी ठीक करेगा, प्रोवाइड रिलीफ फ्रॉम इंसोमनिया, नींद नहीं आती है तो भी फायदेमंद है, प्रोवाइड रिलीफ फ्रॉम पेन, बॉडी में किस टाइप का दर्द हो रहा था उसमें भी हमको क्या कह देता है, ये राहत पहुंचाता है, ठीक है ना, क्लियर है। देन द लास्ट सिन्नामोन, दालचीनी, देखिए सबने पक्का देखी होगी, हैं
कुछ कह रहे हैं नहीं सर, कौन है? देखी है ना सबने, कुछ होंगे यूनिक जो देखी नहीं होगी। देखो दालचीनी कैसे ऐसे ना छाल काट दी, छाल निकाल ली, ये छाल आ गई, छाल के टुकड़े ऐसे कर लो या चूरा बना लो, मार्केट में तुमने ये देखी होगी इस टाइप से ना घरों में मौजूद दालचीनी जो होती है, ठीक है। सिनेमन क्या होगी? दालचीनी। ओके, सिनेमन इज ए स्पाइस ऑब्टेन फ्रॉम द इनर बार्क ऑफ ट्री फ्रॉम द जीनस सिनामोमम। तो कॉमन सी चीज है, तुम लोग क्या कर सकते हो, एक लाइन पहली क्या जोड़ सकते हो कि कह सकते हो कि ये वाली जो चीज है हमें इस जीनस के इससे मिलती है। तो जीनस तो याद करना पड़ेगा, पता ही है ना, जब बायोलॉजिकल सोर्स याद करते हो तो जीनस तो आता ही आता है, ठीक है ना। कुछ लोग पता होगा जीनस क्या होता है, भैया जीनस ये जो पहला नाम होता है वो जीनस होता है और दूसरा नाम स्पीसीस होती है, बायनॉमियल नॉर्मल क्रिएचर याद है। पहला क्या होता है? जीनस, नाम में पहले जीनस लिखा जाता है और फिर उसकी स्पीसीज प्रजाति आती है ना। तो जीनस तो हर किसी का जो पहला नाम होता है वो जीनस होता है, ठीक है ना। तो ये एक कॉमन सा वर्ड तुम जब एग्जाम में लिखोगे तो किसी में भी ऐड कर सकते हो कि ये इस जीनस का ये चीज होती है। सिनेमन इज यूज्ड, अगले पॉइंट पे आते हैं। सिनेमन इज यूज्ड मेनली एज एन एरोमेटिक कॉन्डिमेंट, है ना, खुशबू लाने के लिए, फ्लेवरिंग एडिटिव। अब यहाँ पे देखो ये ना लिखने का तरीके हैं और बड़ा सिंपल है, तुम सब में एक चीज डाल सकते हो कि ये एरोमेटिक और फ्लेवरिंग एजेंट की तरह इस्तेमाल होते हैं इन कुकिंग। सब में कॉमन लाइन डाल दो, एक भाड़ में गई है, ठीक है, नहीं लिखनी ये लैंग्वेज हमको, हम एक कॉमन सिंपल सी लैंग्वेज लिखेंगे कि नौ है, नौ के नौ तो एग्जाम में आ नहीं जाएंगे, कोई एक आएगा, ठीक है ना। तो काम क्या है उसका? फ्लेवरिंग एजेंट, एरोमेटिक एजेंट। क्लियर? क्लियर है, लकीर का फकीर नहीं बनेंगे, ठीक है। क्यूजिन मैंने बता दिया, बहुत सारी जो रेसिपीज होती है क्यूजिन का, स्वीट सेवरी डिशेज है ना, ये सब तो ब्रेकफास्ट सीरियल, स्नैक फूड, टी, ट्रेडिशनल फूड, फलाना ढिमका, सब में डाल दो, खुशबू लाने के लिए चाहिए हमें, ठीक है। ओके, द एरोमा एंड फ्लेवर ऑफ सिनेमन डराइव फ्रॉम इट एसेंशियल ऑयल। कहाँ जा रहे हो भाई, वापस आओ। ओके, द एरोमा एंड फ्लेवर ऑफ सिनेमन डराइव फ्रॉम इट एसेंशियल ऑयल एंड प्रिंसिपल कॉम्पोनेंट सिनेमाल्डिहाइड। तो अब इसमें लिख दो, सिनेमाल्डिहाइड इज द मेन कॉम्पोनेंट ऑफ इट्स एरोमेटिक प्रॉपर्टी, सिंपल लिख दो। तो कह रहा है जो मेन इसका एसेंशियल कंपोनेंट है वो क्या है? सिनेमाल्डिहाइड एज वेल एज न्यूमरस अदर कॉन्स्टिट्यूएंट इंक्लूडिंग के बाद लाइन गायब हो गई। चलो थोड़ी सी कोई बात नहीं, सिनेमाल्डिहाइड हम यहाँ तक रखते हैं, इस लाइन को यहाँ से काट देंगे हम लोग, ठीक है, ये लाइन काट देते हैं, ठीक है। तो मेन इसका जो कंपोनेंट रहेगा वो क्या रहेगा? सिनेमाल्डिहाइड। ओके, सिनोनिम की बात करें तो सिनेमन बार्क और कलमी दालचीनी। तो देखो बच्चों ऐसा है, मैं फिर बता रहा हूँ, लकीर का फकीर नहीं बनना है, कोई चीज़ नहीं आ रही है तो उसमें थोड़ी बहुत चीज़ें अपनी ऐड कर सकते हो, है ना। अब इसमें मैंने देख के लिखा, मान लो सपोज यहाँ पे कोई लाइन अधूरी रहेगी तो कोई ज़रूरी नहीं है, ये ऐसा नहीं कि ये लाइन नहीं लिखी है तो इससे पूरा नंबर ही कट जाएगा, बात समझ में आ रही है। तो ये देखो प्रैक्टिकल चीज़ तुम्हारे सामने हो रही है, एक आध लाइन छूट जाती है तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्या चीज़ नहीं छूटनी चाहिए? ये तीन चीज़ें जो अपने कोर्स में मेंशन है, बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टेंट और थेरापेटिक एफिकेसी, ये चीज़ तुम्हारी गलत नहीं होनी चाहिए। तो बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें, ऑब्टेन फ्रॉम ड्राइड इनर बार्क, छाल से मिलता है ये, शूट ऑफ ट्री सिनेमोमम जाइलानिकम ऑफ फैमिली लॉरेसी, किस फैमिली से है ये? लॉरेसी फैमिली से। जीनस सिनेमोमम हो गया इसका, स्पीसीज जाइलानिकम हो गया। केमिकल कॉन्स्टेंट अगेन वही सब आ गए, वॉलेटाइल ऑयल, टेनिन्स, म्यूसिलेज, कैल्शियम ऑक्सीलेट, स्टार्च, मैनिटॉल, और जो सिनेमन ऑयल होता है उसके अंदर क्या है? बेंजल्डिहाइड, यूजिनॉल और क्यूमिनल्डिहाइड। तो ये तीन याद कर लो, और पूरे याद नहीं करने वाला कि मैंने बताया था टैनिन्स, वोलेटाइल ऑयल और स्टार्च वगैरह ये सब में पाए जा रहे हैं, क्लियर है। ओके, थेरापेटिक एफिकेसी, पावर हाउस ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है ये, है ना। रेमेडी ऑफ टूथएक, दांत दर्द में हमारी हेल्प करेगा। वेट मैनेजमेंट, हमारा वेट को रिड्यूस कराता है। ट्रीट वायरस इन्फेक्शन, है ना, वायरस को रोकता है। क्योर फॉर न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज, अगर किसी की नर्व्स वगैरह डैमेज हो रही है तो उसमें भी हेल्प करता है, पावर हाउस ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, है ना। प्रिवेंट टाइप 2 डायबिटीज, इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट, बच्चे ना हो रहे हो तो उसमें भी हेल्प करता है। स्किन यूथफुल, ग्लो करेगा स्किन को। रिड्यूस योर रिस्क ऑफ कैंसर, कैंसर होने के चांस को घटा देगा। तो एक चीज देखी बच्चों तुम लोगों ने, ये आई थिंक 9 पूरे हो गए, ओहो भूल जाता हूँ मैं एक तो, हाँ ये 9th था हमारे पास, 9 ड्रग थे इसके अंदर। कार्मिनेटिव एंड जीआई रेगुलेटर,
तो ये ड्रग्स देखा हमारे रोज, हम लोग इनको रोज लेते हैं तभी तो हमारा पाचन तंत्र बहुत अच्छा रहता है, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं इसका मिसयूज कैसे होता है, मिर्च मसाला बहुत ज़्यादा खाते हैं, मसाला ज़्यादा नहीं खाना है, वो फिर दिक्कत दे जाता है ना। तो कोई चीज़ लिमिट में खाई जाती है तो फ़ायदेमंद है। खाना ज़्यादा खा लोगे, चार रोटी की भूख है खाली, सात रोटी, थोड़ी देर बाद पता चला उल्टी हो जाती है ना, तो कोई भी चीज़ है जो नुकसान करती है ज़्यादा में। तो ये मसाले भी जो रोज़ हमारी सब्जियों में पड़ते हैं हमारे लिए क्या होते हैं, फ़ायदेमंद है। ठीक है, इनका इस्तेमाल करके तुम लोग भी हेल्दी रह सकते हो। बात बाकी तो फिलहाल हेल्दी रहने के लिए क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा एग्जाम में आने वाला है, ठीक है ना, तभी हेल्थ मेंटेन रहेगी, अदरवाइज एग्जाम में कोई गड़बड़ होगी तो हेल्थ बिगड़ जाएगी। क्लियर है, नोट्स डिस्क्रिप्शन में है लिंक उनका, ठीक है ना, क्लिक करोगे मेरे ख्याल से अब नोट्स की दिक्कत किसी को नहीं है, ठीक है ना। और एक ही काम है और वो क्या है, रिवीजन। ओके, ऑल द बेस्ट।